अप्रोच से यहाँ पे प्लेयर्स जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेट्स गो हियर, फेवरेट प्लेयर के ऊपर नजर डालेंगे। गॉडेल यहाँ पे एक प्लेयर लूज कर दी है, बाकी सारे प्लेयर्स रिमेनिंग रहेंगे। अब थ्री मैन स्क्वाड खेलना पड़ेगा इनको। जरूर है टीम आरएनटी ने भी शुरुआती दौर में वहाँ पे चार फिनिशे जरूर निकाले हैं, लेकिन हाइड्रा ई स्पोर्ट्स जो है अभी फिलहाल यहाँ पे फाइट के अंदर रहने वाली है। दे आर फाइव एलिमिनेशन पॉइंट्स एज ऑफ नाउ, लेकिन थोड़ा सा क्लोज इन करना इनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट दो प्लेयर्स इनके डाउन हो चुके हैं, टीम आरएनटी के साथ इनका फाइट होता हुआ नजर आ रहा है और ये फाइट कहीं ना कहीं खतरनाक होने वाला है। आसान बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन ड्रीम्स जो है वो प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ड्रीम्स अगर आप देखेंगे तो अमूमन इतना ज़्यादा दूर, इतना ज़्यादा स्प्लिट खेलते हैं नहीं अपने टीम से, लेकिन हाइड्रा एक अलग अप्रोच, अलग सोच, लेकिन चलिए एक ऑफ एंगल क्रिएट करके बैठे हुए हैं। फियर्स को मुझे लगा कि ये नॉक करेंगे, लेकिन इनके प्लेयर्स ने पहले ही नॉक कर दिया। अब आरएनटी पूरी तरह से बैकफुट पे है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि वो थर्ड प्लेयर कहाँ पे है, वो चौथा प्लेयर कहाँ पे है, माफ़ कीजिएगा, वो चौथा प्लेयर हाइड्रा का कहाँ पे है। और हाइड्रा के ड्रीम्स जो है वो एक ऑफ एंगल क्रिएट करके ज़रूर एक सरप्राइज अटैक कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच आप पे ना जाऊँ कहाँ से मैं कवर फायर दूँ, और उसी में आरएनटी ने इसका काम कर दिया, इनका काम कर दिया, आराम से एलिमिनेट कर दिया। अब ड्रीम्स एक प्लेयर को नॉक जरूर कर दिए हैं, लेकिन पंक को नॉक करना यहाँ पे थोड़ा हार्ड होने वाला जरूर है। टीम आरएनटी काफी शानदार खेल रही है, कोई दो राय नहीं रहेगा। ओ माय गॉड, व्हाट अ सुपरमैन शॉट!